हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर के एक विवादित कमेंट सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश भर में उनकी काफी ज्यादा खिल्ली उड़ाई गई थी, ट्रोल किया गया था, जिसके बाद पूर्व क्रिकेटर को माफी मांगनी पड़ी। वेल, वो तो बात रही पाकिस्तान की, लेकिन भारत में भी कुछ इसी तरीके का देखा गया है। बता दें, इन दिनों सलमान खान के साथ इमरान हाशमी भी काफी चर्चाओं में हैं। इमरान हाशमी टाइगर 3 में नजर आ रहे हैं। उनके सालों के करियर के बाद इमरान हाशमी की ये पहली फिल्म है जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की गई है। हाल ही में एक इंटरव्यू को लेकर के इमरान हाशमी काफी चर्चाओं में हैं, जिस पर ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर के विवादित टिप्पणी कर दी गई। इमरान ने कहा कि कॉफी विद करण में एक एपिसोड के चक्कर में उन्होंने कई दुश्मनी बना ली है। आपको बताते चले कि उनकी बदनीयती नहीं बल्कि हैम्पर जीतने की वजह से इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। इमरान हाशमी कॉफी विद करण के 4th सीजन में पहुंचे थे, जिसकी वीडियो काफी वायरल हो रही है। हालांकि ये वीडियो काफी पुरानी है, लेकिन इन दिनों चर्चाओं में आ रही है, जहां एक एपिसोड में इमरान बतौर गेस्ट पहुंचे थे। उनके साथ महेश भट्ट भी इस शो में नजर आए थे। ऐसे में कॉफी विद करण के एक सेगमेंट के दौरान इमरान विवादित बयान दे डालते हैं, जिसमें एक सवाल पूछा जाता है। दरअसल पूछा ये जाता है कि आपको किसी व्यक्ति के बारे में एक शब्द कहना है। इस एपिसोड में करण ने ऐश्वर्या राय बच्चन का जैसे ही नाम लिया तो इमरान ने फटाक से प्लास्टिक कह दिया। प्लास्टिक को अमूमन नकली या फर्जी के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इस बात पर बखेड़ा काफ़ी खड़ा हो गया। इमरान हाशमी की ये इंटरव्यू की वीडियो हाल में ही वायरल हो रही है। बता दें, इस वीडियो में इमरान ने ऐश्वर्या राय की तुलना प्लास्टिक से कर दी थी। जैसे ही अब्दुल रजाक की वीडियो सामने आई, जिसमें वो विवादित बयान ऐश्वर्या राय बच्चन पर दे रहे हैं, वैसे ही इमरान की भी ये पुरानी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसको लेकर के अब काफी विवाद खड़ा हो रहा है और इमरान हाशमी की ट्रोलिंग भी की जा रही है।